हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए वीडियोज़ में। आज की वीडियो ना क्लास टेंथ वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आप मैथ वर्ल्ड एग्जाम 2024 में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने ना मैथ में, ठीक है ना दोस्तों, टॉप 10 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। इस बार बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 20 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बार ना 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ना MCQ क्वेश्चन भी अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है ना 100% आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अपने देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न पहला है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा युग्म है जो एक सह अभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी संख्याओं का युग्म, ध्यान से सुनना दोस्तों, ऐसी संख्याओं का युग्म जो केवल 1 से कटे, 1 के अलावा किसी संख्या से ना कटे, तो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम इनको काट के देखते हैं कि ये संख्या कौन कौन सी संख्या किससे कट रही है, ठीक है। जो संख्या हमारी 1 से कटेंगी भाई हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन ए है ना, इसको हम काटने चलते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 14 और 35 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 14 और 35 है ना, ये देखिए दोस्तों, 7 से कट जाएगा। देखिए 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35, तो ये दोनों संख्या 7 से कट रही हैं, तो ये हमारा एक सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि सह अभाज्य संख्या की शर्त है ये केवल 1 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, 7 से कट गई, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 31 और 93 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये ना 31 से कट जाएगा, 31 से कम 31, ठीक है, एक बार कट गया, और 31 + 93, तो ये देखिए दोस्तों, 31 से कट रही है, ठीक है। 1 के अलावा ये 31 से कट रही है, तो ये भी सह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 32 और 62 है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से कट जाएगी। देखिए दोस्तों, 16 × 32 होते हैं, 2 से कट गया। और देखिए दोस्तों, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2, ये 31 × 62, ये भी 2 से कट गया, ठीक है। तो ये भी देखिए दोस्तों, हमारे सह अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बचा हमारा वी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं, तो बचा हुआ ये वाला ऑप्शन हमारा वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 18 और 25 है, ये सह अभाज्य संख्या है, ये केवल 1 से कटेगा। देखिए दोस्तों, काट के देख लो, इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18 तो कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो ये 8 × 24 = 25 नहीं कटेगा, पूरा कटना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, 1 से ही कटेगा। तो ये देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन A 3, B 2, C 3, D 0 है, ठीक है। तो हमें बताना है 2 क्रमागत संख्याओं का HCF बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपने नोट में आपने इसको लिख लेना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ना कोई सी 2 क्रमागत संख्या की बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोई सी 2 क्रमागत संख्याओं की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें देखिए दोस्तों, उन दोनों संख्याओं में अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, केवल 1 के अलावा। यहाँ पर आप लिख लेना, देखिए दोस्तों, कोई भी अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, केवल 1 ही होगा, 1 के अलावा कोई भी अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 2 क्रमागत संख्या की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रमागत संख्या जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, 5 और 6 हो गई, ठीक है। तो इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड केवल 1 ही होगा, ठीक है, 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका HCF भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस चार के शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है माइनस एक्स का गुणांक, और देखिए दोस्तों बटा, ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है गुणांक। अब देखिए दोस्तों, हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस, ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है माइनस के वन, ठीक है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर वन होगा, ठीक है और ये माइनस का वन होगा, ठीक है माइनस का वन बट्टा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर वन होगा, ठीक है तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक बचा यहाँ पर एक बटा एक, ठीक है तो यहाँ पर एक ही बचा, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वन, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है इसके द्विघात बहुपद के अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वन, ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है तैयार कर लेना। अब देखिए दोस्तों हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है अगला देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं, ठीक है तो देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर दो एक्स स्क्वायर माइनस के एट एक्स प्लस छः के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है तो हमें क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद दिया है इसकी हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमें चूज करना है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व ही ना कर लें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं तो कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप यहाँ से सीख लेना, ठीक है फिर अपना कोई सा भी द्विघात बहुपद बिल्कुल ईजिली से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है तो देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद सॉल्व करने के लिए जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है वो क्या होती है, देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है तो 6 × 12, ठीक है हम क्या करेंगे बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 आ गया, ठीक है अब क्या करना है, 12 के हमें ऐसे युग्म बनाने हैं जो प्लस या माइनस करने पर हमें ना बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके ना दो तरह से इसके गुणनखंड हमें मिलेंगे, ठीक है तो देखिए दोस्तों एक तो होता है 4 और 3, ठीक है 4 और 3 एक युग्म हमारा ये बना 4 × 12, ठीक है ये इसको गुणनखंड है, और एक होता है हमारा 6 और 2, ठीक है 6 × 12, ठीक है 12 के दो युग्म यहाँ पर हैं, ठीक है तो हम देखिए दोस्तों कौन सा वाला युग्म ले, ठीक है हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ना बीच वाला नंबर लेके आना है, ठीक है प्लस या माइनस करने पर, ठीक है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको भी माइनस कर दें, ठीक है इसको भी माइनस कर दें, पहले देखिए दोस्तों हम ना इसको देखते हैं, ठीक है अगर हम क्या करें इसको अगर जोड़ेंगे, ठीक है अगर इसको हम घटाएंगे, ठीक है माइनस माइनस करेंगे तो -4 -3 -7 आया जो कि यहाँ पर बीच वाला नंबर नहीं मिल रहा, यहाँ तो -8 है, ठीक है अगर हम इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तब तो और नहीं मिलेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है तो इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम ना इसको लेंगे, ठीक है तो -6 और -2, ठीक है तो यहाँ पर आ गया -8, ठीक है अब यहाँ पर एक्स है ना तो हम यहाँ पर एक्स भी रख देंगे, ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा -8x, ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -8x की जगह हम ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं 2x² - k, ठीक है 8x की जगह यहाँ पर -6x, ठीक है और -2x + k 6, ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ना 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बचेगा x - k और यहाँ पर बचेगा 2 × 3 = 6, ठीक है अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम ना -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x - -2 × 6, ठीक है अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम ना इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है x - 3, ठीक है अब बचे हुए को हम दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे 2x, ठीक है और -2, ठीक है अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हम ना इसके शून्य के निकालेंगे तो इसको हम ना 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है 0 के बराबर रखेंगे तो पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर, ठीक है 3 निकल के आएगा जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2x = 2, ठीक है अब देखिए दोस्तों 2 एकम 2 तो x = 1, ठीक है तो इसके देखिए दोस्तों 2 शून्य के निकले हैं, ठीक है एक तो हमारा 1 और 3 निकला है, ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 और 3, ये जो हमारा द्विघात बहुपद है ना इसके जब हम शून्य के निकालेंगे तो इसके शून्य होंगे 1 और 3, ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने इसको पढ़ते हैं, ठीक है देखिए दोस्तों समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं, ठीक है तो हमें बताना है
ये हमें समीकरण एक में दे दिया है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो इसके हमें हल बताने हैं, क्या हल बताने हैं, ऑप्शन ए में है कि क्या इसका अद्वितीय हल होगा, इसके अनंत हल होंगे, या फिर इसका कोई भी हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके देखिए दोस्तों, हम ना इसका अनुपात ले लेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हम लेंगे ए वन अपॉन ए टू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बटा यहाँ पर क्या है माइनस के तीन, ठीक है, बराबर यहाँ पर है दो, ठीक है, यहाँ पर है दो बटा, और यहाँ पर क्या है माइनस के छः, बराबर, ठीक है, पाँच, ठीक है, पाँच, और यहाँ पर क्या है वन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसके बेसिकली रेशियो ले लिए, ठीक है, अनुपात ले लिया है, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके अनुपात ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करके हम देखेंगे कि इसमें कौन सा वाला अनुपात बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो एकम दो, दो दिए छः, तो इसका जो अनुपात बन रहा है, ठीक है, माइनस के एक बटे तीन, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर भी एक बटे तीन आ जाएगा, ठीक है, माइनस के एक बटा तीन, ठीक है, और बराबर पाँच बटे एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चीज़ तो बराबर है इसके, ठीक है, ये चीज़ तो बराबर है माइनस के एक बटा तीन के बराबर है, माइनस के एक बटा तीन, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यहाँ पर पाँच बटा एक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा कौन से वाला कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक छोटी सी चार्ट बनाई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हमारा हमारा अनुपात होता है ना, देखिए दोस्तों, ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होगा बी वन अपॉन बी टू के ना, तो जब इसकी रेखाएं होंगी ना, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसका केवल एक हल होगा, ठीक है, इसे हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हमारा ए वन अपॉन ए टू बराबर होगा बी वन अपॉन बी टू के, और वो भी बराबर होगा सी वन अपॉन सी टू के, तो हमारा क्या होता है, ये रेखा संपातिक होती है, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके ना अनेक हल होते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हमारा ए वन अपॉन ए टू बराबर वी वन अपॉन वी टू, और ये बराबर नहीं होता है सी वन अपॉन सी टू के, तो हमारी जो रेखाएं होती हैं ना, वो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं, वो हमारी एक बिंदु पर काटती हैं, ठीक है, थीके? तो इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसका एक हल। और देखिए दोस्तों, संपाती रेखाएं, ये एक दूसरे को हर एक बिंदु पर काट रही हैं, यानी कि अनंत बिंदु पर काट रही हैं, तो इसकी अनंत हल। और यहाँ पर समांतर रेखाएं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रही हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, सिंपल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली कंडीशन हमें मिली है, ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन मिली है, ठीक है। तो इसमें रेखा कौन सी होंगी, इसमें रेखा होंगी समांतर, ठीक है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका हम देखिए दोस्तों, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर ये समीकरण युग्म दिए हैं ना, इसके अगर हम हल देखेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, दो चरे में दो रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो इनका आलेख होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है, जब समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे ना, तो उनका जो ग्राफ बनेगा, जो आलेख बनेगा ना, तो इसमें देखिए दोस्तों, संपाति वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो संपाति रेखाएं होंगी, ठीक है, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो संपाति रेखा होती है ना, एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, संपाति रेखा एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटती है, जब अनंत बिंदु पर काटेंगी तो इसका जो ग्राफ कैसा होगा, वो होगा संपाति वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो हल होगा, वो अनंत हल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, यदि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच बराबर एक बटा नौ है, तो एक्स का मान होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स का मान बताना है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के पाँच बराबर नौ, ठीक है। पाँच को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नौ माइनस पाँच बराबर चार, ठीक है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स बराबर रूट चार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चार को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस माइनस की वैल्यू देगा, और यहाँ पर रूट चार की वैल्यू होती है दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ना, प्लस माइनस दो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में प्लस माइनस दो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को करना था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस के चार एक्स माइनस के छः बराबर जीरो का विभक्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका विभक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका विभक्तर बहुत अच्छी तरह से ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों,
हम इसकी तुलना ना ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो से कर देंगे, तो हमें क्या होगा, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू होगी एक्स का गुणांक क्या है, तीन, ठीक है, ए की वैल्यू तीन, बी की वैल्यू माइनस के चार, ठीक है, और सी की वैल्यू माइनस के छः, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा विवेक्तर होता है ना, इसको हम ना डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो विवेक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे बी स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है माइनस के चार, ठीक है, माइनस के चार का जब स्क्वायर करेंगे तो चार चक सोलह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, माइनस के फोर गुणा ए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तीन गुणा सी, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के छः, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरह तो है हमारा 16। देखिए दोस्तों, माइनस माइनस तो होगा प्लस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चार तीय 12 और 12 छिंग 72, ठीक है, तो यहाँ पर 72 आया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 6 और 2 8 और 7 और 1 8, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 88 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो विवेक्तर निकलेगा, ये द्विघात समीकरण है ना, इसका अगर विवेक्तर निकालेंगे तो इसका विवेक्तर रहेगा 88, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 88 देखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण का विवेक्तर 88 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिंदु 3.4 की y अक्ष से दूरी हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बिंदु दे दिया है, ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों y अक्ष की दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको ना y अक्ष की दूरी पूछी जाए, ठीक है, तो आप क्या करना, आप ना एक्स वाले की वैल्यू बता देना, ठीक है, बेफिक्र होकर आप ना एक्स वाले की वैल्यू बता दे। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, तीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे ना एक्स अच्छे की दूरी पूछता है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू बता देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से हम x अच्छे की और y अच्छे की दूरी बिल्कुल आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चलिए दोस्तों, इसको हमने पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है, एक लंबवृत्तीय वेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार का व्यास होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लंबी वृत्तीय बेलन है, ठीक है, उसके आधार का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके आधार का हमें व्यास बताना है, ठीक है, व्यास क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा लंबी वृत्तीय बेलन होता है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। और देखिए दोस्तों, जो इसका आधार होता है ना, आधार एक वृत्त की तरह होता है, ठीक है, एक वृत्त की तरह होता है। अगर हम ना इसको ऊपर से देखें, टॉप से देखें ना, तो ये एक वृत्त होगा, ठीक है, और वृत्त का हमें ना क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और इसका हमें व्यास बताना है, ठीक है, व्यास बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा वृत्त होता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है, 9 पाई, ठीक है, 9 पाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई से तो हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, आर जब इधर जाएगा ना, तो ये रूट बन जाएगा, ठीक है, तो आर बराबर रूट 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट 9 की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें क्या निकल के आई है, अभी तो इसकी ना त्रिज्या निकल के आई है, ठीक है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो व्यास निकालना है, लेकिन हमें पता है जो हमारा व्यास होता है ना, व्यास होता है त्रिज्या, यानी कि आर का दुगना होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें आर की वैल्यू पता है 3 गुणा 2, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन है ना, उसके आधार का हम व्यास निकालेंगे, तो उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये थे 10 बहुविकल्पी प्रश्न, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।